आज उस चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री कैंपेनिंग करने गए, तो बार बार वो एक बात क्यों बोल रहे हैं कि हमसे गलती हुई थी, हम आरजेडी के साथ चले गए थे, उन्होंने केवल लूटा है, न शिक्षा में काम, न रोड में काम, कोई काम नहीं। तो जब सरकार में तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे तो ये जो नियुक्ति पत्र जो बटी तो किन लोगों को बटी और कौन लोग चाहते थे, किनका कहना था कि ये नियुक्ति पत्र हम जब सरकार में आएंगे तो हम 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे, और कौन ये कहते थे कि कहाँ से देगा, कहाँ से लाएगा, ये सबको कुछ आता है, तो किसने ये नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया? एक साथ 3.5 लाख से ऊपर लोगों को गांधी मैदान से लेकर के हर एक जिला में लोग गए वहाँ पे और उन लोगों ने देने का काम किया, तो ये किन लोगों को मिला? क्या मुख्यमंत्री जी बिहार के लोगों को बताने का काम करेंगे? अगर ये गलती है तो मैं तो चाहूँगी कि ऐसी गलती हमारे से, हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, जो मंत्री बनते हैं, जो मुख्यमंत्री बनते हैं, ऐसी गलती बार बार वो लोग करें ताकि बिहार के लोगों का भला हो, बिहार के बेरोजगारों का भला हो। अमित शाह ये गलती जो 20 साल से है वो क्यों नहीं सरकार में कर रहे हैं लोग? हमारे जाने के बाद कितनी नियुक्ति पत्र इन लोगों ने बांटा है, किस किस विभाग में बांटा है, ये बिहार की जनता को क्यों नहीं बताने का काम कर रहे हैं? और ये जो माफ़ी मांगने का काम है, प्रधान मुख्यमंत्री जी तो उनको घर बुला के भी मांग सकते हैं, हमारे यहाँ भी आके मांग सकते हैं, अपने नेताओं को रोज़ बैठते हैं, शाम को मिलते हैं, फ़ोन पे मांग सकते हैं, ये बिहार की जनता में जाके इस माफ़ी मांगने से बिहार के लोगों का क्या भलाई होगा? बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, ऐसा बोलने से क्या बिहार में फैक्ट्री लगाने का काम करेगी, बेरोजगार नौजवानों को रोज़गार देने का काम करेगी? इससे किसका भला हो रहा है और ये क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब इसका मतलब है कि कुछ अंदर ठीक नहीं चल रहा है इसलिए बार बार बता रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? अमित शाह ने कहा है कि आप लोग विपक्ष जो कांग्रेस और उनके सहयोगी दल ओबीसी को यूनाइट होना नहीं देना चाहते हैं, उनको विभाजित रखना चाहते हैं। हमने तो जाति जनगणना कराई, किसके प्रयास पर ये जाति जनगणना हुई? हम लोग तो कोई नहीं चाहता था, फिर भी तेजस्वी ने आगे बढ़ करके सब लोगों को सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री तक से जा करके नीतीश कुमार जी से उनको भी ले जा करके दिल्ली में ये बैठक हुई और हम लोगों ने करके दिखाया, और उसके अनुपात में हम लोगों ने आरक्षण भी बढ़ाया। इसको ख़त्म कौन कर, किस कोर्ट कौन गया, किसकी सरकार गई? तो देखिए, भ्रमित ना करिए, जनता में भ्रम मत फैलाइए। आप सिर्फ इतना ही बता दीजिए, उपचुनाव में प्रचार करने जाइए, ये सबका अधिकार है। हम लोग एक जनतांत्रिक और डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यहाँ पे सबका अधिकार है, सब लोग दल बना सकते हैं, सब लोग अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं, सब लोग चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जब जनता में जाइए तो जनता की बात करिए कि आप बिहार में फैक्ट्री कब लगाएंगे। आपके प्रधानमंत्री जी बंद पड़ी चीनी मिलें खुलवाना चाहते थे, उसी का चाय पीना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहे दरभंगा, थोड़ा ध्यान उधर जाएगा, चीनी मिल पर कुछ बोलेंगे कि कब चाय पियेंगे? मुसलमानों को आरक्षण इस देश में नहीं मिलने जा रहा है, ये बार बार देखिए, ये मैं बार बार कह रही हूँ ना कि इन सब बातों से किसी का भला नहीं होने वाला है। वो भ्रमित जरूर कर सकते हैं अपने वोट जरूर इस तरह की चीज बात करके। बहुत सारे नेता घूम रहे हैं आजकल, बहुत तरह तरह की बात कर रहे हैं, मैं उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहती। आप तेजस्वी जी का बर्थडे है 35वां, नहीं आज जन्मदिन है और बड़ी बहन हूँ उसकी, आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी उम्र भी उसको लग जाए, सब लोग आशीर्वाद दें। बिहार के लिए अच्छी सोच है उसकी, बिहार के लिए वो काम करना चाहता है, करके दिखाया है, तो मैं तो चाहूँगी कि बिहार के लोग और देश के लोग, जो लोग भी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, तो उसको अपने आशीर्वाद दें कि ताकि और अच्छा करे और लोगों की सेवा करे। झारखंड में चुनाव है लेकिन वहाँ के CM के एक सहयोगी के यहाँ IT का रेड पड़ रहा है, कैसे देखते हैं? कोई नया बात नहीं है, आपके यहाँ क्यों नहीं पड़ रहा है हम सोच रहे हैं। अब तो ये हालत हो गया है, इनकम टैक्स ED CBI अब कोई पूछ नहीं रहा है, जब इनको जैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके खिलाफ ये लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या माहौल देख रही हैं बिहार में जो बाइपोल है उसका आप लोगों का? देखिए, सब दल के नेता यही कहते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम इसलिए विश्वास के साथ कहते हैं और आपको बताना भी चाहते हैं कि हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के गए। हम महंगाई की बात करते हैं, हम बेरोजगारी की बात करते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, और हमने करके दिखाया है, कोई हवा में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो इस विश्वास पे कहते हैं कि जनता हम में विश्वास जरूर करेगी, और ये जो चारों सीटों पे इंडिया गठबंधन के जितने भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं
उनकी जीत सुनिश्चित होगी।